धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के बैनर तले अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर विशाल जन प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण मांडा के द्वारा सुचारू रूप से पानी सप्लाई, पीएमसीएच के सुदृढ़ व्यवस्था, वृद्धा पेंशन लागू करने जैसी उनकी मुख्य मांग है। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी की। वहीं यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने बताया कि धनबाद के ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार हावी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमित रूप से बिजली बहाली और शहर में साफ सफाई का बंदोबस्ती समेत कुल 14 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इनकी मांगों पर अविलंब ध्यान नहीं देती है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। जीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर उपयुक्त कार्यालय के समक्ष धनबाद एसीसीआई कम्युनिस्ट के नेतृत्व में यह धरना किया गया है। धनबाद को प्रदूषण से मुक्त करना, जल स्तर यहाँ का गिर रहा है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उसको ठीक करना, माडा की ओर से पानी का सप्लाई नियमित रूप से करना, पूरे धनबाद में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है, रोज 6-8 घंटा 10 घंटा बिजली नहीं रहती है, हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। हम लोग चाहते हैं निर्विघ्न बिजली दे, गरीब लोगों को कम से कम 100 यूनिट बिजली मुफ्त भी दे सरकार। सरकारी हॉस्पिटल में पीएमसीएच, बीसीसीएल का हॉस्पिटल में गरीब लोगों का निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था किया जाए सीएसआर के तरफ से। प्राइवेट स्कूल में जो मनमानी चल रहा है, करोड़ों यहाँ डीएबी, सीएमआरआई, डीपीएस, करोड़ों का घोटाला है, इसका सब डाटा, इस पर जांच की जाए और जो री एडमिशन फी लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए, गरीबों का भी के बच्चों का भी वहाँ एडमिशन कराया जाए फ्री के। हाँ, लिखित दे ही रहे हैं, आज भी देंगे डीसी साहब को देंगे। और है साफ सफाई की व्यवस्था ठीक की जाए, सेफ्टी टैंक देखी जाए। कितना मांग आपका है? हम लोग का 14 मांग है इसमें, जिसके एक प्रति आपको दे रहा हूँ मैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आर तिवारी है, रविंद्र तिवारी। मैं जीवन की ज्वलंत समझ